एक दफा मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया। आसमान ने पानी बरसाना छोड़ दिया था और जमीन ने अनाज उगाने से इनकार कर दिया था। इस कहत की वजह से पूरे शहर में गुर्बत फैल गई थी। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो बहुत बड़े ताजिर थे। इनकी तिजारत पूरे अरब में फैली हुई थी। इस दौरान इनका एक तजारती काफिला शाम से लौटा। इस काफिले में 1000 ऊंट थे, खाने पीने की अशिया के साथ। जब ये काफिला मदीना पहुंचा तो लोगों को थोड़ी राहत हुई, बच्चे बूढ़े खुश हुए। लेकिन जैसे ही ये काफिला मदीना पहुंचा, ताजरों का एक वफद भी साथ यहाँ पहुंच गया। इस वफद ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा कि क्या वो अपना माल फरोख्त करना चाहेंगे। इनका इरादा था कि सारा माल खरीद लें और कहत की वजह से मजबूर लोगों को महंगे दामों फरोख्त करके बहुत सारा नफ़ा कमाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने इनसे पूछा कि आप इसकी क्या कीमत लगाते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हम आपको दुगना नफ़ा देंगे, यानी 1 दीनार का माल 2 दीनार में ख़रीदेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि इतना नफ़ा तो मुझे पहले से ही मिल रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो का जवाब सुनकर उन्होंने नफ़ा और बढ़ा दिया। फिर भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने वही जवाब दिया कि इतना तो मुझे पहले ही मिल रहा है। उन्होंने नफ़ा और बढ़ा दिया। लेकिन अब भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने यही कहा कि इतना तो मुझे पहले ही मिल रहा है। ये सुनकर वो ताजिर हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो, हम अहले मदीना को खूब जानते हैं। यहाँ कोई ताजिर ऐसा नहीं जो तुम्हारे माल को हमसे ज़्यादा कीमत में ख़रीदे। आखिर वो कौन है जो तुम्हें हमसे ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, अल्लाह, जो नफ़ा तुम मुझे दे रहे हो मेरे रब ने मुझे इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा देने का वादा किया है। ये कहकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि तमाम माल अहले मदीना और ज़रूरतमंदों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो के सामने इस वक्त कुरान की ये आयत थी, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, इनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और इससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है बढ़ा देता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो के पास ताजरों का जो वफद आया था, वो दर हकीकत शैतान का वफद था। वो आप रज़ी अल्लाह अन्हो को आजमाइश में डालने आया था। चूँकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो का ईमान ज़िंदा था, इसलिए उन्होंने दुनिया के फ़ायदे पर आखरत के फ़ायदे को तरजीह दी। उन्होंने समझ लिया कि इनके सामने शैतानी वफद है जो उन्हें आखरत के फ़ायदे से हमेशा के लिए महरूम करना चाहता है। ऐसी ही सखावत की वजह से उन्हें गनी का लकब अता हुआ।